जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज अजामिल का दृष्टांत देते हैं। यह दृष्टांत सदा स्मरण रखने का है। अजामिल बड़ा ही विद्वान, श्रोत्रिय और ज्ञान संपन्न ब्राह्मण था। पिता के लिए पुष्प आदि लाने वन में गया था। लौटते समय एक स्वर्णी को किसी शूद्र के साथ रमण करते देखकर उसका मन चंचल हो उठा और वह अपना समस्त धर्म कर्म और अपनी पतिव्रता पत्नी को त्याग कर उस स्वर्णी में आसक्त हो गया। उसने बड़े से बड़े पाप किए। स्वर्णी के अनेक संतानें हुई, जिनमें अंतिम पुत्र का नाम नारायण था। अजामिल ने मृत्यु काल में अपने पुत्र नारायण को पुकारा। धोखे से नारायण नाम का उच्चारण होने के कारण उसका उद्धार हो गया। इस दृष्टांत में दो बातें विचारने की हैं। क्षण मात्र के दुसंग से पतन हो गया और अंत में क्षण मात्र के नाम उच्चारण से उद्धार हो गया। जिस समय यम के दूत अजामिल की आत्मा को निकाल रहे थे, उसी समय नारायण नाम उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु के मनोहर पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने यम दूतों को समझाकर धमकाकर वहां से निकाल दिया। यह सब नारायण नाम से हुआ। यम दूतों ने विष्णु दूतों से कहा, वेद में जो कर्तव्य बतलाया है वही धर्म है, उसके विपरीत अधर्म है। ऐसा कहकर अजामिल के वेद प्रतिकूल आचरणों का इतिहास सुनाया और उसे यमराज के पास ले जाने के लिए कहा। इस पर विष्णु दूतों ने उन्हें भागवत धर्म बतलाते हुए यह कहा कि इस ब्राह्मण ने एक जन्म तो क्या, कोटि जन्मों के पाप का प्रायश्चित कर डाला, क्योंकि इसने विवश होकर मोक्ष देने वाले श्री हरि नाम का उच्चारण किया। यह पापिष्ठ नारायण इन चार अक्षरों के उच्चारण मात्र से ही पाप मुक्त हो गया। सुवर्ण चुराने वाला, मित्र से द्रोह करने वाला, ब्राह्मण, स्त्री, राजा, पिता, माता और गौ का वध करने वाला, मदिरा पीने वाला तथा और भी जो बड़े बड़े पाप करने वाले हैं, उन सब के लिए श्री कृष्ण का नाम उच्चारण ही उत्तम प्रायश्चित है, क्योंकि नाम से श्री कृष्ण में मति हो जाती है और श्री कृष्ण में मति होते ही पापों का सारा कोहरा नष्ट हो जाता है। पापी पुरुष हरि नाम के कीर्तन से जैसा शुद्ध होता है, वैसा ब्रह्मवादी मुनियों के द्वारा बतलाए हुए अन्य अन्य शास्त्रोक्त प्रायश्चितों से नहीं होता, क्योंकि प्रायश्चित करने पर भी तो मन कुमार्ग में जाता है। अतएव जो लोग पाप को सर्वथा समूल नष्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भगवान नाम कीर्तन ही उत्तम प्रायश्चित है। उसी से चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए हे यमदूतों, तुम इस ब्राह्मण को मत ले जाओ। इसने मरते समय भगवान नाम का उच्चारण कर अपने सब पापों का प्रायश्चित कर डाला है। पुत्र आदि के संकेत से हो, हंसी से हो, अवज्ञा से हो, भगवान श्री कृष्ण का नाम सब पापों को नष्ट कर देता है। यह सभी विद्वान मानते हैं। ऊंचे से गिरते समय, चलते समय, पैर फिसल जाने के समय, अंग अंग भंग हो जाने के समय, सर्प आदि के डसे जाने पर, तपाए जाने और चोट लगने के समय जो विवश होकर भी हरि इतना कहता है, वह यम यात्राओं से छूट जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मृत्यु के समय पुत्र का नाम लेने में भगवान का नाम उच्चारण कर महापापी अजामिल भी भगवान के धाम को चला गया। तब जो व्यक्ति श्रद्धा से उनका नाम लेता है, उसके मुक्त होने में तो क्या संदेह है। जब विष्णु दूतों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ा लिया, तब वे यमदूत दौड़कर यमराज के पास गए। उनसे कहने लगे, प्रभु, हम तो आपको ही सबसे बड़ा शासक मानते थे, परंतु आज तो जब हम आपकी आज्ञा से एक पापी को लेने गए, तो वहाँ अकस्मात चार दिव्य पुरुषों ने आकर
हमारे हाथों से उसको छुड़ा लिया। कृपा कर यह बतलाइए वे कौन थे? क्या आपसे भी बढ़कर कोई और शासन करता है? यमराज ने कहा, अच्छा हुआ तुम लोग बचकर आ गए, यदि अधिक कुछ करते तो शायद चिट्ठियों में ही आते। इस चराचर जगत का एक सबसे बड़ा अधीश्वर है, मैं महेंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, महेश्वर, साध्यगण, मरुदगण, रुद्रगण, सिद्धगण, समस्त प्रधान प्रधान देवता और सत्व प्रधान भृगु आदि महर्षि गण भी माया के प्रभाव से जिनकी चेष्टा को नहीं जान सकते, दुर्लभ दर्शन आश्चर्य में दूत विष्णु भक्तों को बचाने के लिए पृथ्वी मंडल में भ्रमण किया करते हैं। साक्षात भगवत प्रणीत धर्म को ऋषि देवता और सिद्धगण भी नहीं जानते, तब असुर मनुष्य विद्याधर और चारणों की तो बात ही क्या है, चारणों की तो बात ही क्या है। इस विशुद्ध दुर्बोध और गुप्त भागवत धर्म को ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, सनत कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं, ये 12 जन ही जानते हैं। हे दूतों, नाम कीर्तन आदि के द्वारा भगवान में लगाया गया जो भक्ति योग है, वही इस लोक में पुरुषों का परम धर्म है। हे पुत्रों, तुमने हरि नाम का महात्म्य देखा, पापी अजामिल धोखे से नाम लेकर भी मृत्यु के पास से मुक्त हो गया। माया से मोहित बुद्धि वाले लोग अर्थवाद रूप पुष्प भूषित वेद विधि में विमोहित होने के कारण ही वैतानिक महान प्रायश्चित कर्मों में लगकर नाम के अति गुह्य महात्म को नहीं समझ सके। जो पुरुष भगवान के शरणागत और सर्वत्र समदर्शी है और सिद्धगण जिनकी पवित्र कथा का गान किया करते हैं, उन सब भगवदियों के निकट तुम भूलकर भी न जाया करो। भगवान की गदा उन लोगों की सर्वदा रक्षा किया करती है, उनको दंड देने में न तो हम समर्थ हैं और न काल ही। अकिंचन परमहंस लोग सर्वसंग परित्याग कर निरंतर जिनकी सेवा करते हैं, उन मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस के मधुर आस्वादन से विमुख होकर जो असाधु लोग बारंबार नरक की इच्छा करते हैं, जैसे पक्के चोर कारागार को ही घर समझकर बारंबार उसी में जाना चाहते हैं, उनको ही मेरे पास लाया करो। जिनकी जीभ एक बार भी भगवन नाम गुण का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त एक बार भी भगवत चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, जिनका मस्तक एक बार भी श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणत नहीं होता, या जो एक बार भी भगवत सेवा का व्रत नहीं लेते, उन दुष्टों को मेरे पास लाया करो। अपने दूतों से यों कहकर यमराज भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारे दूतों ने जो बिना जाने दोष किया है उसको आप क्षमा करें, उसको आप क्षमा करें। भगवान का नाम तो प्रिय से प्रिय वस्तु है, इस नाम से भगवान की स्मृति होती है। जब किसी अपने प्रिय को मनुष्य भूला हुआ होता है और कोई दूसरा पुरुष सहसा उसका नाम लेता है, तो उसे अपने प्रिय की स्मृति हो जाती है और उस स्मृति से उसे बड़ा आनंद होता है। जब जगत के प्रिय पदार्थों की नाम के द्वारा स्मृति होने पर ऐसी अवस्था होती है, तब श्री कृष्ण की स्मृति में तो बड़ा ही आनंद होना चाहिए। श्री कृष्ण के समान प्रिय और कौन होगा? श्री कृष्ण नाम में प्रीति होने पर जब उसके माधुर्य से कुछ परिचय हो जाता है, तब फिर इन लौकिक गंदी बातों की और मन भूलकर भी नहीं जाता। अतः भगवन नाम स्मरण भगवत प्रीति के लिए ही करना चाहिए। वैष्णवों को तो पाप निवृत्ति के लिए भी भगवन नाम नहीं लेना चाहिए। निश्चित ही भगवन नाम पाप नाश करने में सबसे अधिक समर्थ है। नाम से पापों का जितना नाश होता है, उतना पाप महापापी भी नहीं कर सकता। भगवन नाम तो उस नित्य निरअतिशय परमानंद भगवत स्वरूप की प्राप्ति के लिए लेना चाहिए जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है।
जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज अजामिल का दृष्टांत देते हैं। यह दृष्टांत सदा स्मरण रखने का है।